नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू, कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स एक बार फिर आप सबके सामने लेके आई हूँ। आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते 19 नवंबर को हमारे क्रिएटिव हेड श्री मुश्ताक काग जी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। ही लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। ग्रेटर जम्मू एक्सटेंड्स अवर डीपेस्ट कंडोलेंस टू हिज फैमिली एंड वी विश फॉर हिज सोल टू रेस्ट इन पीस। इस हफ्ते हमारा ये प्रोग्राम श्री मुश्ताक काग जी को एक ट्रिब्यूट है, जो कि अब इस हफ्ते हमारी टैरो कार्ड रीडर के थ्रू आप उनके जो भी डेडिकेशंस थी, जो भी उनका हार्डवर्क था, जो उनके एफर्ट्स थे, उन सब को सुनेंगे। आइए सुनते हैं हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी का क्या कहना है उनके बारे में। नमस्ते, टैरो मिस्टिक चैनल में आपका स्वागत है। मैं गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज की हम भविष्यवाणी देख रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 26th ऑफ नवंबर से लेके 3rd दिसंबर। और अपना ये आज शो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू बी इन कंडोलेंस मेमोरी। आई डेडिकेट दिस शो टू डायरेक्टर मुश्ताक जी। उनके वजह से, उनकी गाइडेंस के वजह से आई हैड स्टार्टेड माय दिस जर्नी विद ग्रेटर जम्मू। And he is the one who's given guidance. He used to light up my studio, hamari recordings. He taught me the style of doing it, everything under his guidance. And he passed away. He left for Heavenly Abode on 19th of November at his residence, Jammu mein. And this video of mine, this channel, this today's episode is actually dedicated to him. It is his episode. This channel is for him only. And I give my dear, dear, dear love and tribute to Mushtaq sir ji. आप सबने सुन ही लिया कि हमारे मुश्ताक काग सर कैसे थे। अब हम अपने इस प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स की शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते यानी कि 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक का राशिफल कैसा रहेगा, ये हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जानेंगे। शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई से। आइए जानते हैं इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फॉर एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आपके जो ट्रबल टाइम्स थे, जो बुरे वक्त थे, वो सब खत्म हो रहे हैं। और आप देख रहे हो कि फैमिली की वजह से, अपने परिवार में जो आपने ताकत लिए, एक दूसरे का सपोर्ट किया है, उससे आप कैसे आगे भी बढ़ रहे हो। इनफैक्ट इसके वजह से आपकी फैमिली में प्रोस्पेरिटी, खुशी, खुशहाली बहुत इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, दुगनी तिगनी। और आप ये भी देखेंगे कि अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई काम है, आपके नाम, आपकी गुडविल की वजह से वो आगे भी बढ़ रहा है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन अ हाउस, इन अ कार, और इवन बाइंग अ लैंड प्रॉपर्टी फॉर यू। और अगर आप कोई काम करते हैं तो एक ट्रांसफर भी हो सकती है, विच विल प्रूव टू बी वंडरफुल फॉर यू। अब हम देखते हैं टॉरेंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल रही है, जिसको आप एडवाइस ही नहीं मानते हैं, बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन हु इज गिविंग यू द एडवाइस और यू डोंट लाइक द एडवाइस। वो एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुनो सबकी, करो अपनी। अ वेरी गुड टाइम विथ योर पार्टनर, देर विल बी गुड अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट बिलीव, देर कुड बी अ चांस ऑफ इवन परचेसिंग अ हाउस विथ योर पार्टनर। एंड दिस वीक यू विल बी ओनली सेलिब्रेटिंग इन हैप्पीनेस एंड जॉय। देर विल बी प्रमोशन, देर कुड बी एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी और देर कुड बी सेलिब्रेटिंग अ मैरिज। बेसिकली खुशी खुशी है इस पूरे हफ्ते में। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू आर गुड एट गिविंग एडवाइस टू पीपल, बट वही एडवाइस अगर आपने फॉलो करना है, थोड़े से हम लेट बैक हो जाते हैं। सो अगर आप अपने ही एडवाइस को फॉलो करेंगे, विच इज हेल्पिंग अदर्स, इट विल ट्रिपल हेल्प यू ऑल्सो। सामने का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट यू आर नॉट एबल टू गेज कि उसको आगे कैसे करें। ऑल एंड ऑल यू आर वेरी कंटेंट एंड हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव। इन फैक्ट फाइनेंशियली आप बहुत सिक्योर हो, इमोशनली ऑल्सो यू आर वेरी सिक्योर। एंड आई थिंक वंस यू आर इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, यू ऑलमोस्ट लिव्ड अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ। हमारी अगली की तीन राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। आइए इनका राशिफल क्या रहेगा जानते हैं हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से। अब हम देखते हैं कैंसर, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले ली है, विच इज नॉट इवन नीडेड, अदर्स कैन डू देयर वर्क। थोड़ा उनको ट्रस्ट कीजिए, डेलीगेट वर्क टू अदर पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके बच्चे घर में हो, या इवन इन योर स्पाउस।
इफ यू आर गोइंग फर्दर फॉर फर्दर स्टडीज, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, फॉरेन जगह जा रहे हैं, तो इट्स अ चांस टू इवन गेट सेटल आउट देयर. आप देखेंगे कि आपका रूटीन वही रहता है एंड आपको आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलता है. बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर आप अपने वर्किंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़े लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, यू विल सी द एफिशिएंसी, द आउटपुट विल बी इवन डबल देन बिफोर. अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए. लियोज के लिए यू हैव बीन वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू टेल टू पीपल एंड हाउ यू टेल टू पीपल, बट आपको यू आर जस्ट बीइंग टू ओवरली कॉन्शियस. बी केयरफुल ऑफ योर इमोशंस, डू नॉट स्पर्ट आउट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू शो द अदर पर्सन रॉन्ग. इनफैक्ट इसके वजह से बना बनाए काम भी बिगड़ सकता है. You are living in the past, you need to get out of the past. And how do you get out of the past is visualize a happy scenario. Because of this person's negativity, because of this negative situation, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है. Divert the situation towards a happy outcome और आप देखेंगे you'll be much more satisfied and happy at your place. अब हम देखेंगे वर्गो, that is कन्या राशि वालों के लिए. वर्गोस के लिए आपका ट्रैवल सोलो ट्रैवल, ट्रैवलिंग फॉर स्पिरिचुअल बिलीव्स, ट्रैवलिंग टू अ स्पिरिचुअल प्लेस विल एक्चुअली अवेकन यू. और आप देखेंगे कि आपके जो नेगेटिव हैबिट्स है, और या इफ यू आर इन सब्सटेंस अब्यूज, या नेगेटिव हैबिट्स है, ओवर थिंकिंग है, सम पैटर्न ऑफ योर्स विल एक्चुअली बी एबल टू बी रिलीज. इन फैक्ट यू विल फील वेरी रेजुनेटेड, यू विल बी कमिंग बैक एज अ न्यू पर्सन. सो टेकिंग अ पिलग्रिमेज दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगली की तीन राशियों के बारे में हमारी टैरो कार्ड रीडर इस हफ्ते हमें क्या कहती है, आइए जानेंगे हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से. तो अगली की तीन राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब हम देखते हैं लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. तुला राशि वालों के लिए द वे यू managing your life, balancing your life, balancing the energies, the negative and the positive, it is amazing. आप जो ये काम कर रहे हैं, it will actually get you to a lot of success. You will also see, you realize that after every negative situation, even better positive outcome comes out of your life. आप ये सोच रहे होंगे कि कितना हार्डवर्क करना है, कहाँ तक हार्डवर्क करना है, कब हम गोल तक पहुँचेंगे. Just a little bit, a little one more step and you will be at the place that you want to be. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए व्हाट यू पुट आउट इन द एनर्जी बिकम्स ट्रू फॉर यू. आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जो चाहते हैं, मांगते हैं, वो एक्चुअली सच हो जाएगा. सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू थिंकिंग. आप मजाक में भी कोई चीज़ बोल रहे होंगे, वो भी इनफैक्ट सच होगा. अ लॉट ऑफ यू, अगर आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका आपको इक्विवेलेंट रिवॉर्ड्स भी मिलेगा. इफ़ यू हैव अ बिजनेस तो आपको किसी से यू कैन गेट अ वेंचर कैपिटलिस्ट टू इन्वेस्ट फाइनेंसिस फॉर द सेम. Spending time with your family, with your loved ones, with your colleagues, with your alumni will actually prove very beneficial for you professionally also and emotionally also. अब हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि वालों के लिए. Sagittarians के लिए a very good time. आप जो hard work कर रहे हैं उसका आपको बहुत benefits भी मिलेंगे, recognition भी मिलेंगे. बट वन थिंग इज देयर, दैट आपकी जो नेगेटिविटी है ना माइंड की, वो आपके बने बनाए काम को, आपके अच्छे टाइम को भी खराब करती है. दिस इज़ द टाइम वेन हम अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी बोलते हैं कि हमारे अच्छे प्लैनेट को नेगेटिव प्लैनेट से बीच ने खा लिया है. हाउ यू कैन ब्रेक दिस चेन बाई वर्किंग ऑन योर माइंड एंड सेइंग इसके वजह से मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है. अगर आप बोलते जाएंगे तो सिचुएशन आपके पॉजिटिवली में बदल भी जाएंगी, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड. देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ डूइंग एन इंटरनेशनल ट्रिप ऑल्सो. इन नौ राशियों का राशिफल इस हफ्ते कैसा रहा ये तो आप सबने सुन ही लिया. अब हम उनसे आखिर की तीन राशियों के बारे में जानेंगे. तो हमारी आखिर की तीन राशियां हैं केप्रिकॉन, अक्वेरियस, Pisces. अब बारी आती है केप्रिकॉन, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए अ लेडी, अ प्रोफेशनल लेडी गिविंग यू गाइडेंस विल बी वेरी सक्सेसफुल. और इफ यू आर अ लेडी हु इज वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फील्ड, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. यस, द सक्सेस हैज कम आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट इट इज वर्थ इट. जस्ट बी केयरफुल ऑफ ओवर एग्जर्टिंग योर सेल्फ, या देयर इज अ चांस ऑफ इवन फॉलिंग इल और गोइंग फॉर अ बेड रेस्ट. Maybe just for a couple of days, but actually take advantage of this also.
ड्यूरिंग दैट टाइम रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस, रिफ्लेक्ट ऑन योर गोल. देयर इज डेफिनेटली अ चेंज दैट यू हैव टू गेट थ्रू. आप देखेंगे कि इनफैक्ट दिस इलनेस हैज रिजुविनेटेड यू एंड यू आर जस्ट फीलिंग इवन बेटर देन बिफोर. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए योर गोल इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन योर माइंड, बट समटाइम्स यू जस्ट गेट लॉस्ट विद टू मेनी आइडियाज एंड टू मेनी प्लान्स एंड टू मेनी गोल्स. या कोई काम नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अ सर्टन रीजन, बट डोंट वरी, वो काम हो जाएगा. वॉट यू पुट योर हैंड्स इन विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल. इन फैक्ट वॉट यू गेन यू मस्ट ऑल्सो हेल्प अदर्स, ईदर इट इज फाइनेंशियली, इमोशनली, और इवन इन गिविंग अ गुड एडवाइस. इफ यू गिव गुड एडवाइस यू विल सी दैट यू विल एक्चुअली कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आती है इमीजिएटली. अब हम देखते हैं पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसीज के लिए यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड न्यूज फ्रॉम समवेयर अब्रॉड, मे बी कुछ बिजनेस के लिए या फर्दर एजुकेशन के लिए, एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव न्यूज. इनफैक्ट आपको गवर्नमेंट से भी काफी फायदा भी हो जाएगा. इनफैक्ट देर कुड बी अ चांस ऑफ यू डूइंग टू एक्टिविटीज, टू टाइप ऑफ स्टडीज, और वर्क एंड स्टडी, और इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, इन योर करियर, यू मे हैव टू हैव टू करियर साइड बाई साइड, बट दे विल ऑल्सो बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इनफैक्ट वन विल नॉट बी टू ल्यूक्रेटिव मनी वाइज, बट उसके वजह से दूसरा बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है. तो इस हफ्ते कैसा रहेगा राशिफल इन 12 राशियों का, हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया. अब हम हर हफ्ते की तरह उनसे इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या बताएंगी, आइए सुनते हैं. अब हम देखते हैं टैरो गाइडेंस ऑफ द वीक. टैरो गाइडेंस ऑफ द वीक इज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज राइट नाउ सुपर. आप सबको एक इंट्यूटिव कॉल आएगी. You will feel that ऐसा लगता है मुझे किसने कहा या आई थिंक आई शुड बी डूइंग दिस. यू मे नॉट हैव अ सब्सटैंशियल रीजन फॉर इट, बट डेफिनेटली यू विल हैव द डिजायर टू डू इट. दिस इज द वीक वेर यू लिसन टू योर इंट्यूशन. अगर आप कोई काम करते हो उसको काम करने का तरीका भी बदल दीजिए. आप देखेंगे दैट यू नो यू हैव गोल्स वेयर कमिंग टूअर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर. इन फैक्ट आप अपने गोल्स को एक ऑर्डर में लिखिए एंड टिक द गोल्स विच इज पॉसिबल राइट नाउ राइट अवे. कुड बी नंबर 5 or 6 पोजिशन, उसको करना शुरू कीजिए. आप देखेंगे by the end of the year or by next year, however your goals are, aapke sare wo desires bhi poore ho jayenge. To isse main ijazat leti hu aapse, milte agle hafte, dhanyawad. To guidance of the week mein humne hamari tarot card reader Gitika ji Mahajan ji se ye jana ki इस समय आप सबको एक इंट्यूटिव कॉल आने वाली है कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको आने वाले टाइम में क्या करना है. आप अपना एक गोल्स का लिस्ट बना लीजिए कि जैसे जैसे करना है, किस किस नंबर पे करना है. आप देखेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या आने वाले ईयर में आपकी वो हर लिस्ट कि जितने भी आपके गोल्स हैं वो धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे. इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ. आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे इस चैनल ग्रेटर जम्मू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें. धन्यवाद.